पचपेड़ी नाका मुख्य मार्ग में ऑटो और बस वाले अवैध रूप से वाहन खड़ा करते हैं, जिसके कारण यातायात बाधित होता है। यहाँ आपराधिक तत्वों का भी जमावड़ा लगा रहता है, जिससे आपराधिक गतिविधियां होने का डर बना रहता है। यहाँ रहने वाले नागरिकों को आने जाने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। आए दिन लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। अब नागरिकों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रहवासियों ने समस्या से निजात दिलाने कलेक्टर को ज्ञापन देने का मन बनाया है। रहवासी कल कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके लिए मोहल्ले वालों ने एक बैठक रखी, जिसमें तय किया गया कि मुख्य मार्ग में माँ कर्मा व्यावसायिक परिसर के सामने व आसपास की जगह बस व ऑटो खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। ठोस कार्रवाई नहीं होने पर प्रदर्शन किया जाएगा। आज हम सारे मोहल्ला वासी और व्यापारी वासी पचपेड़ी नाका के एकत्रित हुए हैं। एक मीटिंग की है हम लोगों ने। यहाँ कई दिनों से अवैध बस की पार्किंग, अवैध ऑटो स्टैंड और यहाँ पर असामाजिक तत्व, गोली, गांजा, दारू, चाकूबाजी आए दिन की घटना है। बहुत सारी घटनाएं, सवारी रहते हैं, FIR नहीं होती, आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। हम शासन प्रशासन से गुहार करते हैं कि अवैध पार्किंग और बस स्टैंड को यहाँ से मुक्त किया जाए। यहाँ की स्थानीय वासियों को बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहाँ सबसे बड़ा बगल में हॉस्पिटल है, रामकृष्ण हॉस्पिटल, जहाँ लोग सीरियस होते हैं, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ जाते हैं और जाम की स्थिति बनी रहती है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, पूरे पचपेड़ी नाका में जाम की स्थिति है। प्रशासन शासन से गुहार करूँगा। हम सारे मोहल्लेवासी कल हम ज्ञापन देने जाएंगे माननीय पुलिस अधीक्षक के पास, माननीय कलेक्टर महोदय के पास, CSP साहब के पास, थाना प्रभारी के पास। हम सारे लोग इसका ज्ञापन देंगे, इसका निराकरण चाहते हैं हम सारे स्थानीय वासी व्यापारी। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.